दोस्तों Xiaomi के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन का नंबर वन ब्रांड ये बन चुका है। 2018 के अंदर भी, 2019 के अंदर भी नंबर वन ब्रांड ये अभी तक चल रहा है। और मोबाइल की मार्केट के अंदर क्या बात करें, मतलब कमाल धमाल फोन ये लेके आते ही रहते हैं। लेकिन अब Xiaomi जो है इंडिया के अंदर लेके आ रहा है अपना लैपटॉप, और ये नोटबुक एयर होगा, MI नोटबुक एयर 2019 एडिशन, इसको जो अभी चाइना के अंदर लॉन्च हुआ और इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आज हम बात करेंगे इसी लैपटॉप के बारे में और क्या ये मोबाइल की तरह इंडियन मार्केट के अंदर धमाका कर पाएगा, देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वानी। फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि एक लैपटॉप में कितना दम है वो पता चलता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन से, उसकी स्पेसिफिकेशन से ही। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 8th जनरेशन का है, जो कि लेटेस्ट है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये डेफिनेटली आपको दे देगा। जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, प्राइस में आपको बिल्कुल एंड में बता दूंगा। दो वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, 128GB स्टोरेज वाला और एक 256GB स्टोरेज वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं 128GB और 256GB स्टोरेज बहुत कम है, तो मैं आपको बता देता हूं ये SSD हार्ड ड्राइव है, जो कि नॉर्मल जो आपकी 5400 RPM की जो हार्ड ड्राइव होती है, जितने भी लैपटॉप हम डेस्कटॉप नॉर्मली हम यूज करते हैं उसके अंदर आपकी बाराकोडा की हार्ड ड्राइव लगी आती है, जिसके अंदर 5400 RPM होते हैं और उससे ये 17 times ज्यादा फास्टर होती है। तो 17 times तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली SSD हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत फास्ट होती है। तो 128GB और 256GB के दो वेरिएंट इस अंदर आपको देखने को मिलेंगे SSD हार्ड ड्राइव के। और रैम की अगर बात करता हूँ तो दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिलेगी। हालांकि रैम पर्सनली मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कम दे दी है आज की तारीख में, जबकि लैपटॉप्स के अंदर भी 6-6, 8-8 GB, मतलब 10-10, 12-12 GB तक की रैम पहुँच चुकी है। तो उम्मीद तो मेरी यही थी कि जैसे Xiaomi ने मार्केट, जो मोबाइल मार्केट है उसमें जैसे धमाका किया, वैसे ही वो लैपटॉप मार्केट के अंदर भी धमाका करेगी और कम रेंज के अंदर अच्छी कॉन्फ़िगरेशन लेके आएगी। लेकिन रैम की अगर बात करूँ या स्टोरेज की बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी कम है। शायद आप प्राइस सुन के आपको लगे कि ठीक होगा या नहीं होगा, वो हम आगे डिसाइड कर लेंगे। बात कर लेते हैं इसकी आगे, इसमें कोई DVD या CD-ROM भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्लिम ये डिज़ाइन है। 12.5 inch की इसके अंदर आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, यानी कि 1080x1920 की स्क्रीन मतलब आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और अगर चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है 50%, ऐसा Xiaomi का बोलना है कि 50% जो है ये चार्ज हो जाता है लगभग 40 मिनट के अंदर। और जब ये लैपटॉप बंद होगा तो 40 से 50 मिनट हम मान सकते हैं, क्योंकि जब लैपटॉप ऑन होगा तो 50 मिनट के आसपास ले लेगा। तो 50% चार्जिंग आपको 40 से 50 मिनट के अंदर मिल जाने वाली है। बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको एक USB-C का पोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है, एक USB 3.0 का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, एक इस अंदर आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा और 3.5mm जैक का सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा माउस लगा लेता है, मान लीजिए USB माउस लगा लेता है, क्योंकि लैपटॉप के साथ मैंने देखा बहुत सारे लोग USB माउस का यूज कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या वो अपनी पेन ड्राइव नहीं लगा सकता, या फिर कार्ड रीडर का सपोर्ट जो आज की तारीख में लोगों को मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं YouTube बिना वीडियो बना देता हूं तो उसके अंदर मेरे को कार्ड रीडर चाहिए होता है, जहां पे मैं लगा के कर लूं काम अपना, और एडिटिंग के टाइम पे माउस यूज कर रहा हूं या मैं कार्ड रीडर लगाऊं, तो सिर्फ एक पोर्ट देना कहीं ना कहीं खलता है। हालांकि HDMI पोर्ट देखिए इन्होंने अच्छा किया है, डेफिनेटली प्रोफेशनल्स के काफी काम आ सकता है। 3 इसके अंदर इन्होंने बोला है कि हार्मन की जो स्पीकर्स है वो इन्होंने लगाए हैं, तो DTS सराउंड साउंड इसमें मिलने वाला है। तो देखते हैं, वो तो लैपटॉप जब आएगा तो देखेंगे कैसी इसकी साउंड सिस्टम इसका होने वाला है। 2 कलर वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, एक सिल्वर एक गोल्ड, वहां पर भी इन्होंने एप्पल को थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब Xiaomi को ये एप्पल की छाया से निकलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फोन में इसके देखता हूँ कि एप्पल से थोड़े से रिलेट करते हैं, वहीं पर इन्होंने नोटबुक के अंदर भी सेम सा काम कर दिया है। वेट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 1 kg 07 g, मतलब 1 kg के आसपास वेट मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो यही वेट 1.25 kg जो था एप्पल मैकबुक एयर के अंदर था, तो कोई खास फर्क नहीं है, मतलब 18 g के आसपास का फर्क है, तो वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है मेरी अगर बात करें तो। लेकिन अभी मैं प्राइस की आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्राइस बीच में रह जाएगा। 2 वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, एक जैसे मैंने बताया 4GB और 128GB स्टोरेज वाला, और एक 4GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला। अगर जो चाइना में प्राइस लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 4GB 128GB वाला जो है वो लगभग 36,000 के आसपास आपको मिलने वाला है, और 4GB 256GB वाला करीब आपको 42,000 के आसपास में पड़ने वाला है। सो दोस्तों, पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ कि 40,000 के आसपास में लैपटॉप लेना और उसमें 128GB की स्टोरेज का होना और 4GB की रैम का होना, ये कहीं ना कहीं Xiaomi ने ठीक नहीं किया है इंडियन कंज्यूमर के साथ, क्योंकि
इंडियन कंज्यूमर हमेशा से बहुत वैल्यू फॉर मनी देखता है। शायद रेडमी का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के पीछे रीज़न भी यही था कि इन्होंने कम दाम के अंदर बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन लोगों को दी थी मोबाइल के अंदर, और इसलिए इन्होंने सर पे बिठा लिया था मतलब कंज्यूमर ने शाओमी जैसे ब्रांड को और नंबर वन की पोजिशन पहुँचा दिया। काश ये ऐसा सेम करते लैपटॉप के अंदर भी, और ये लैपटॉप 20,000 के आसपास में आता, हालांकि एक सपने वाली बात हो चुकी है आज की तारीख में तो, क्योंकि 40,000 और 20,000 में लगभग दुगने का फ़र्क है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मैकबुक एयर यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। इसके अंदर भी ये मैंने 2 साल पहले लिया, इसके अंदर भी 8 GB की रैम मुझे देखने को मिली, कोर i5 का प्रोसेसर देखने को मिला, 256 GB की स्टोरेज देखने को मिली, और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं था। तो ऐसे में मैकबुक एयर क्या मतलब क्यों ना लूँ मैं? देखने वाली बात यह है कि MI को अगर अपने पैर जमाने थे इंडियन मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली इनको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस लेके आना चाहिए था और कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेके आनी चाहिए थी। जो लैपटॉप 2 साल पहले लॉन्च हुआ है उससे भी आधी कॉन्फ़िगरेशन आप लेके आ रहे हैं और लगभग उसी दाम पे, तो बड़ा मुश्किल है। मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है, अगर आपका चल जाता है लैपटॉप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज ए एक्सपर्ट एटलीस्ट मैं लैपटॉप के मामले में अपने को बोल सकता हूँ। मैं इतने सालों से इस मार्केट में हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि आज की तारीख में जो भी बंदा लैपटॉप लेता है वो मल्टीटास्किंग चाहता है, वो म्यूज़िक भी करना चाहता है, वो एडिटिंग भी करना चाहता है, वो गेमिंग भी इसके ऊपर करना चाहता है, वो नेट सर्फिंग भी करना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में लैपटॉप से उम्मीद करते हैं जो बंदा लैपटॉप खरीदता है। तो ऐसे में सिर्फ 128 GB की स्टोरेज देना, 256 GB की स्टोरेज देना, सिर्फ 4 GB की रैम देना, मल्टीटास्किंग कैसे होगी आई डोंट नो, बट इतनी कम स्टोरेज देना और पोर्ट्स के मामले में सिर्फ एक USB पोर्ट का देना या एक USB-C पोर्ट का देना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि Xiaomi को ध्यान रखना चाहिए था, स्पेस का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने अपनी बिल्कुल अनबायस्ड जो मेरे को ऐसा लगता है इस लैपटॉप के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काफ़ी उम्मीद थी यार मेरे को Xiaomi के इस लैपटॉप से, इन्होंने क्या कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि नहीं करना चाहिए था इनको ऐसा, ऑनेस्टली बताऊँ तो। एनी हाउ यार, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अनबायस्ड वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।